गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हो लंबी लंबी बड़ी बड़ी बसें यहाँ पर मौजूद है। और आज ये जो बसें हैं किसी शादी के अंदर नहीं जाने वाली है, किसी पार्टी के अंदर नहीं जाने वाली है, किसी फंक्शन के अंदर नहीं जाने वाली है, और ना ही किसी के मायरे मायरे के अंदर जाने वाली है। बल्कि आज के इस वीडियो के अंदर ये जो बसें हैं वो 24 घंटे के लंबे सफर के अंदर जाने वाली है। तो गाइस आप लोगों को पता है कि गाइस ये बसें होती है जो गाइस टूर में चलती है, स्कूल में चलती है। गाइस 50-50, 60-60 लोग इसके अंदर बैठते हैं। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम एक एक जना, मैं, गुड्डू, विशाल और शिवराज, एक एक बंदा एक एक बस के अंदर 24 आवर्स अलग अलग दिशा के अंदर बिताने वाला है। तो भाई हमारे पास 4 बसें हैं और रूल ये है कि यार हम चारों को बस से नीचे नहीं उतरना है। कोई उत्तर में जाएगा, कोई दक्षिण में, कोई पूर्व में, और कोई मेरे जो सामने है वो पश्चिम में जाएगा। रूल ये है कि यार उतरना नहीं है और बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करनी, उसी के अंदर खाना है, खेलना है, सोना है, जो भी करना है, यहाँ तक यार सुसु जो है वो गाड़ी के अंदर रहकर ही करना। तो भाई हार्ड चैलेंज है, देखते हैं कि यार इस चैलेंज के अंदर हम सफल हो पाते हैं या फिर नहीं। तो गाइस इसका फैसला होगा कि कौन किस दिशा में जाएगा वो पर्चियों के द्वारा। वो पर्चियों को हम नीचे गिराएंगे और पर्चियों को हमें चुनना होगा और सबकी दिशा सेलेक्ट होगी कि कौन कौन सी दिशा में बस की ऊपर यात्रा कर रहा है। और हमारे साथ एक एक हमारे सपोर्टर रहेंगे जो हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे, उसके अलावा बस के ड्राइवर रहेंगे। और आज ही हमारा सफर शुरू होता है आज सुबह 12 बजे और कल 12 बजे तक 24 घंटे का कठिन चैलेंज हमें पूरा करना है। भाई जो बसें हैं वो अपने अपने दिशा के अंदर मुंह करके यहाँ पर खड़ी हो चुकी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम साइड के अंदर ये जो बसें हैं वो मुंह करके खड़ा हो चुकी है। लेकिन अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा बंदा किस दिशा के अंदर जाएगा। उसके लिए हमारे हाथ में यहाँ पर है पर्चियां। और गाइस ये पर्चियां किस्मत डिसाइड करेगी कि किस बंदे को 24 घंटे के लिए इस बस के अंदर कौन सी दिशा में सर्वाइव करना है। तो भाई घुमा दे पर्चियां, घुमा दे भाई, रुको, अरे यार ऐसे मत करो, आराम से फेंक लो, एक एक ले लो, ठीक है। जो पीछे बची वो मेरी, बताओ भाई क्या आया। तो भाई सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मेरी पर्ची के अंदर आया है पूरा, यानी कि दिनेश जाएगा इस साइड में। ओ, 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 दिनेश के साथ कौन है भाई? मेरे साथ है ये मुछे वाला। मुछे वाला तो भाई मेरे आए आए बक्से। यानी कि इधर और तेरे साथ कौन है? मेरे साथ है ये हमारा लोंडा नौजवान। और भाई मेरा आया है उत्तर। भाई मेरे आया है पश्चिम और मुझे पश्चिम में जाना है और मेरे साथ रहेगा शिवा, क्योंकि भाई मैंने पर्ची जो है वो उठाई नहीं। और आपको बता दूं पर्ची में लिखा है पश्चिम। तो भाई सबके लिए लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, और अब हम तैयारी करते हैं अपने अपने व्हीकल्स के अंदर बैठने की। तो भाई अब सभी लोग जो है अपने अपने ड्राइवर्स के साथ अपनी अपनी बसों में जाएंगे। जीतू, तू इधर आ मेरे साथ, इधर आ, उत्तर है अपना, उत्तर आजा। अरे मेरे बस घूम गए गाइस। तो भाई इधर जो है हमारी बस है और हमारे पीछे है हमारा प्यारा कैमरामैन। देखो खाली बस है भाई, कितने लोग बैठ कर जाते हैं। और हमारे ड्राइवर साहब से मिल लीजिए एक बार, इनका नाम है सुरेंद्र जी गुजर। तो आज 24 घंटे ये हमारा साथ देंगे। लगभग गाइस इस बस के अंदर 50-60 लोग बैठते हैं, लेकिन गाइस आज मैं और हमारा साथ निभाने वाला भूटू और एक ड्राइवर साहब। तो भाई हमारी बस ये है और अपना ड्राइवर साहब है ये,
क्या नाम है आपका? नरपर सिंह जी बना। 24 घंटे यही हमारी गाड़ी को चलाएंगे क्योंकि आप प्रोफेशनल ड्राइवर है। अब ये लो भाई, मेरा चैलेंज शुरू हो चुका है। और यहाँ पर जो मेरे ड्राइवर है काफी एक्सपीरियंस है, काफी तजुर्बेकार है। गाड़ी को ये चलाते नहीं, गाड़ी को उड़ाते हैं। असंभव। ये ड्राइवर मौजूद है, काफी एक्सपीरियंस है। तो तैयार हो? तैयार हूँ। अपन को उत्तर दिशा के अंदर चलना है। एकदम ठीक है। गाड़ी को मैंने सुना उड़ाते हो? हाँ उड़ाते हो। भगाते हो? भगाते हो। क्या बात है सर, देखो एक्सपीरियंस आदमी है। कितना टाइम हो गया? 38 साल हो गया एकदम। नाम क्या आपका? बाबूलाल नाम। तो करो स्टार्ट करो। ये चलो गाड़ियाँ जो है वो सबकी गाड़ियाँ रेडी है और अपनी गाड़ी भाई सबसे पहले निकल रही है। बाय। तो भाई वो बस जो है एक आगे जा रही है और हमारी बस यहाँ पर निकल चुकी है लंबे सफर के लिए। एक पीछे बस आ रही है, आप देख सकते हैं। तो भाई वो जा रही है उस तरफ बसें और गाइस हमारी साइड है इस तरफ, यानी कि ये पूर्व दिशा है हमारे ग्राउंड से। तो भाई अपनी जो गाड़ी है उत्तर दिशा वाली गाड़ी वो भी चल पड़ी है। बाय बाय। हमें अपने इस बस के अंदर रहना है, मैं नीचे नहीं उतर सकता, सिवा सिवा उतर सकता है खाना पानी लाने के लिए। तो गाइस अब हम तीन लोग हैं, कोई भी अंदर एंट्री नहीं करेगा, इसलिए गाइस हम क्या करते हैं हमारी गाड़ी का जो गेट खोल कर देते हैं। गाँव के अंदर हम लोगों ने एंट्री की है। तो भाई लगभग 25 किलोमीटर चल चुके हैं और मैं आपको एक बार बस की यहाँ पर कंडीशन दिखा देता हूँ। काफी अच्छी बस है, काफी साफ सुथरी है, आराम से लेट सकते हैं। तो गाइस यार हमारी बस को जो है चलते चलते करीबन 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो भाई अब थोड़ा बहुत ब्रेक लिया है, गाड़ी को थोड़ा बहुत रोका है और हम टाइम पास के लिए क्या करते हैं क्रिकेट खेल लेते हैं। और अब हमारे आ चुकी है थोड़ी बहुत कच्ची रोड। बच गया भाई। 24 घंटे में रह लूंगा गाड़ी में बिना उतरे रह लूंगा। हमारे ड्राइवर साहब को भी बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है कि यार आराम से रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ड्राइवर बहुत कमाल के है भाई। तो गाइस यहाँ पर पास में एक दुकान है, पैसे लेजा और कुछ खाने के लिए लेके आ जाता। खाने पीने का सामान ले लिया है। अरे वाह यार, चिप्स वगैरह सब लेके आ गया। तो भाई लगभग चलते चलते यहाँ पर 60-62 किलोमीटर निकल चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा हमने स्टॉपेज लिया है। ये तो जबरदस्त शॉट है, आउट है भाई, आउट है। तो भाई मेरा विकेट जो है वो गिर चुका है और अब बारी आती है जीतू की, देखता है ये कितनी गेंद खेलता है। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक रास्ता आया है, ये देखो पीछे वहां से है ना गाड़ी बस टकराती रही है, इतनी बची है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब रास्ता है भाई। टेक लेने के चक्कर में पीछे छूट जाएगा भाई। और जीतू को बिल्कुल भी गेंद जो है समझ में नहीं आ रही और फील्डरों की कमी की वजह से अब गेंद को जो है ढूंढना पड़ रहा है सीटों के नीचे। थोड़ा यार छत के ऊपर चढ़ने का मन हो रहा है। यहाँ पर लगभग हमने यहाँ पर 70-80 किलोमीटर निकाल लिया है गाइज। क्योंकि बहुत मुश्किल से चढ़ा जाता है यार इस बस के ऊपर। देखो सूरज जो है वो कहाँ था और कहाँ बिल्कुल नीचे आ चुका है। तो भाइयों ऊपर से कुछ ऐसा नजारा है बस का, बस ऊपर से कुछ इस प्रकार की नजर आ रही है। कैसी है भाई बस ऊपर से? एक नंबर। दो नंबर नहीं है क्या? नहीं। दो नंबर बोलते यार। दो नंबर भाई सच बताऊं तो 3-4 घंटे ही हुए हैं अपनी इस गाड़ी के अंदर और पता नहीं क्यों यार मेरा जो है वो सर दर्द करने लग गया है इस गाड़ी से, इसकी आवाज से या फिर इसकी
चलने की रफ्तार से पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा बहुत सर भारी होने लग गया है भाई। कौन सा गेम, क्या गेम है, लेके आया यार, जल्दी खिला दे भाई, भूख लगी है सच में। अरे यार लूडो किंग खेल लूंगा यार, मैं हार जाऊंगा तो खिलाएगा नहीं? नहीं खिलाऊंगा। अरे भाई यार खिला, जीतना पड़ेगा है, जीतना पड़ेगा। प्ले कर प्ले कर प्ले कर। जीतूंगा जीतूंगा तो मैं ही भाई, जीतूंगा तो मैं ही। तो भाई शाम की 7 बज चुके हैं और हम जो है वापस अब निकल चुके हैं, थोड़ा सा गांव का रास्ता है अभी। तो गाइज यार यहाँ पर जो है हम लोगों ने करीबन 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर निकाल लिए हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं। चलो तो भाई आप जीत चुके हो भाई। मैं भाई 1 घंटे से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ गाइज, ये कभी मुझे मेरी कांटिया खा रहा है, कभी मैं इसकी खा रहा हूँ, और गाइज फाइनली अब मैं खाऊंगा चिप्स, क्योंकि भाई मुझे लगी बहुत ज्यादा भूख। ले आ भाई, अब तो ले आ, तू जा जल्दी जा। तो गाइज यहाँ पर छोटा मोटा ब्रेकफास्ट हो रहा है, गाइस फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ। गाइस चिप्स खा लो, गाइस गाइस चिप्स खा लो, आ करो आ, तो कर ले आ कर आ, ये लो गाइस। शाम जो है काफी ढल चुकी है और अंधेरा हो चुका है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे एक शहर आएगा, काफी बड़ी सारी सिटी आएगी, वहाँ पर थोड़ा और ब्रेक लेंगे, चाय पानी करेंगे, नाश्ता करेंगे। भाई गाँवों का रास्ता चूज करके बहुत बड़ी गलती करती है, 130 किलोमीटर घूम चुके हैं, अब जाकर ये कोई सिटी आई है। भाई अब अपनी गाड़ी के अंदर भी लाइट हो चुकी है, क्योंकि रात का अंधेरा जो है हो चुका है बाहर की तरफ। नाश्ता तो हमने कर लिया है, लेकिन अब देखते हैं भाई हम आगे कहाँ पर रुकते हैं, क्योंकि भाई हमें अभी भी खाना खाना है और कहीं रात का भी जुगाड़ करना है जहाँ पर रह सके हम। तो गाइज अपना जो नाश्ता है वो आ चुका है, भाई जितने कर लिया मैं बचा हूँ तो मैं भी कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर जो बस के अंदर हल्की सी यहाँ पे कोई मिस्टेक है, क्या तकलीफ हुई भैया? इसका फ्यूज उड़ गया, इसलिए फ्यूज उड़ गया। और भाई यहाँ पर बाईपास पता नहीं कौन सा शेर आ रहा है, हमारी बस के अंदर अभी डीजल भी डलवाना है। भरवा लिया डीजल? टैंक फुल करवा दिया। चलो तो भाई अब बनेगी हमारी मस्त चाय, लेकिन गाइज एक चीज हम लोग भूल चुके हैं और वो है चाय वाला भगोना। तो गाइज हमने जुगाड़ किया, टिफिन का एक हेट निकाला है, इसके अंदर हम लोग चाय बनाएंगे। अरे हिल क्यों रहा है? अरे गाड़ी हिल रही है, टाइट पकड़ टाइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोकेंगे, आगे होटल आ रही है बढ़िया, और मस्त खाना खाएंगे, और उसके बाद में क्या करते हैं, सो जाएंगे। तो रात हो चुकी है और भैया सो गए पीछे आराम से, क्या हुआ नींद आ रही है क्या? सर दर्द कर रहा, पता नहीं यार आगे कोई सिटी आए ना, टेबलेट का जुगाड़ करना यार, मेरा आधा सर फट रहा है पूरा इससे। तो गाइज हमारी जुगाड़ वाली चाय रेडी हो चुकी है, अब हम लोग पियेंगे मस्त सी चाय और उसके बाद फिर से वापस चल पड़ेंगे अपनी मंजिल की ओर। तो भाई एक आगे होटल दिखी है, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा स्टे ले लेना चाहिए, थोड़ी पेट पूजा भी हो जाएगी और थोड़ी थकान भी दूर हो जाएगी। तो भाई ये गुड्डू के लिए स्पेशल खाना ले जा रहा हूँ मैं। ओ गुड्डू आ गया खाना? हाँ ये ले। अंकल जी कहाँ गए? अंकल जी खाना खा रहे हैं होटल पे। आजा तू भी आजा। मैंने खा लिया, आप खाओ। तो भाई हम लोग भी जो है अब खाना खाते हैं। भाई मेरे को थोड़ी बहुत नींद आने लग गई थी, तो भाई मैं यहाँ सो गया था और ये दोनों जो है बाहर खाना खा के आ भी गए। भाई मैं यहाँ पर थोड़ा लेट हो गया, अब खाना खा के भाई मैं भी सोऊंगा। सिराज भैया टेबलेट लिए है, चाय बिस्किट खा लो और टेबलेट ले लो। इतनी बड़ी टेबलेट कैसे लूँ, गले में फंस जाएगी ना।
तो गाइज हमारी गाड़ी चल रही है और भाई इधर युवराज ने अभी अपने बिस्तर कर लिए हैं, इधर मैंने भी कर लिए और सामान हमने हमारा यहाँ पर रख दिया है। इस होटल पे इंतजार कर रहा हूँ मैं और खाने के लिए उन दोनों को भेजा मैंने कि अपना ऑर्डर दे दो, मेरे लिए भी ले आओ। तो मनीष अभी तक आया नहीं है, देखते हैं कब आता है। तो ये होटल है भाई, गाड़ी हमारी जो है अब फाइनली साइड में हुई है। भूख लगी है? हाँ खा लो ना। खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा मिलेगा। अच्छा क्या क्या है फिर? देखो सेव टमाटर है, रायता है। ये लो दिनेश भाई। वाओ भाई। तो गाइस अब मैं बस के अंदर बैठकर ही यहाँ पर खाना खा लेता हूँ। तो भाई गर्मा गर्म खाना आ चुका है और शिवराज भैया के लेके चलते हैं, वो है गाड़ी में। शिवराज भैया खाना पर एक शर्त पर है, पूछ पूछ पूछ। एक भैंस के पांच पाँव थे, पांच पाँव कैसे थे बताओ? पता नहीं। अरे भैया एक पाँव जो है वो फेविकिक लगा कर चिपक गया था। देगा कि नहीं देगा? लो यार सेव टमाटर है, रायता है, जो भी मिल जाए अच्छी बात है। सर दर्द कर रहा है। एक काम करना, हाँ कॉल करना सबको एक बार। हेलो जीतू और गुड्डू को कॉल लगाया। खाना आप खा रहे हो क्या? यार दिनेश को कॉल लगाते हैं। अरे हेलो क्या कर रहा है? मैं तो खाना खा रहा हूँ यार, मेरा सर दर्द करने लग गया तेज। पता नहीं यार बस से सर दर्द कर रहा है यार। हाँ भाई कहाँ हो? तो भाई अब बारी आ चुकी है यहाँ पर बिस्तर करने की और भाई बिस्तर जो है सबसे पीछे वाली सीट के ऊपर करेंगे। तो मैं कर देता हूँ मेरे बिस्तर। ये हो गया अपने ओढ़ने का। अब बोलते हैं आप लोगों को गुड नाइट और सोते हैं फुल नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग के अंदर। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। लगभग 2:30 बज रहे हैं रात के। फिर से थोड़ा यहाँ पर गाँव वाला सिंगल वे आया है, जब तक सुबह नहीं हो जाती जब तक हम यहाँ पर गाड़ी चलाते ही रहेंगे। क्या उल्टी हो गई? हाँ उल्टी हो गई। अरे हॉस्पिटल लेके गाड़ी को उल्टी हो रही है। अरे यार ड्राइवर साहब हॉस्पिटल के पास गाड़ी रोकना, ठीक है? हेलो हेलो। हाँ अरे क्या हुआ? अरे पता नहीं यार उल्टिया वगैरह कर रहे हैं। एक मिनट तो बात करो इनसे। अरे एक मिनट उल्टिया कर रहे हैं यार। शिवराज भैया मेडिकल पर? हाँ। अरे यार को हॉस्पिटल वगैरह ले जाओ यार। अरे यार सिटी बंद पड़ी है पूरी, हॉस्पिटल वगैरह कुछ खुला नहीं है, कोई मेडिकल दिखा है वहाँ पर जा रहे हैं। काफी टाइम से हॉस्पिटल पर रोक रहे हैं अपन। अरे यार तो यार समस्या हो रही है, तो मेरी बात सुने, हम आए क्या उधर? नहीं नहीं आओ मत, ये चैलेंज छोड़ रहे हैं और मेडिकल में दिलवाता हूँ उनको कुछ। अरे यार तो भाई शिवराज की अचानक तबीयत बिगड़ गई है और भाई पता नहीं क्या हुआ है और वो है कहाँ पर एक्चुअली। पानी एक मिल रहा है चलो। अरे यार मेरे सर फूट रहा यार। 2 मिनट को हॉस्पिटल आ रहे, सो जाओ पीछे लेट जाओ जितने। अरे लेट जाओ यार आप। टाउन आया कोई पास में सिटी आई है। अरे हम कहाँ है? अरे पता नहीं यार कहाँ है, कोई सिटी आई है पास में। रुको तो और ड्राइवर साहब को बोल भाई, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, शिवराज भैया उल्टिया उल्टिया करने लग गए। अरे शिवराज भैया, अरे शिवराज भैया, अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो।